बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ रियाज आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का यौम आज़ादी शान शान से गुज़र गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कौम से ख़िताब करते हुए तमाम सियासतदानों को बशमूल इमरान ख़ान को मिसाक़े मईशत पर बातचीत के लिए दावत दी। इससे कबल जब ये असम्बली मर्ज वजूद में आई, जब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, उस वक़्त भी शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासतदानों बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात पे बात की थी कि मिसाक़े मईशत पर बैठ के बात करें। देखें, पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है तो गोया हम बिल्कुल बेकार और नाकस और मजबूर हैं। पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को वज़ीर आज़म की इस बात पे इत्तेफाक़ करना चाहिए। और जब इमरान ख़ान साहब ये फरमाते हैं कि मैं फलां फलां यानी कि सिंध देश वालों से अलहदगी पसंदों से बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों से बात कर सकता हूं, लेकिन अपोजिशन के साथ बात नहीं कर सकता, तो ये उनका कहना एक अजीब सा लगता है कि जब पाकिस्तान की मईशत पर बात की जा रही हो, पाकिस्तान के फलाह व बहबूद के बारे में बात की जा रही हो, तो साबिक वज़ीर आज़म इससे किनारा कशी अख्तियार करें। मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, साबिक वज़ीर इमरान ख़ान को इनके साथ बैठना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान के मईशतदानों को, सियासतदानों को और जो है ना मईशत के जो जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके साथ बैठें और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए बात करें। आज हमें पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान को बैरून मुल्क से कर्ज़ा मिल रहा है। कब तक हम दूसरे मुल्कों के आसरे पर रहेंगे? कब तक हम IMF से कर्ज़ा लेते रहेंगे? हमें आखिर एक ना एक दिन बैठना होगा, सोचना होगा। हमें अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मजदूर तबकात के लिए बैठ के कोई ना कोई लाअमल करना होगा और ये मजबूरी है, इसको फौरी तौर पर करना चाहिए। मेरी तमाम सियासतदानों से ये अपील है कि मिसाक़े मईशत पर एक हो जाएं। अगर मिसाक़े जमहूरियत पर साबिक जो दुश्मन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या नवाज शरीफ साहब, वो जब हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगा, परवेज़ मुशर्रफ साहब इकतदार में आए तो उन्होंने एक मिसाक़े जमहूरियत किया था, तो उस वक़्त हमारी जमहूरियत ख़तरे में थी। इस वक्त हमारी मईशत ख़तरे में है। अपनी मईशत को संभालने के लिए तमाम सियासतदानों को एक होकर बैठना होगा और पाकिस्तान की मईशत पर बात करनी होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के पर्सनल सिक्योरिटी या ऑफिसर या अब उनके जो दोस्त ख़ास शहबाज़ गिल ने जो तकरीर की इदारों के बारे में, उस पे उनके ख़िलाफ़ FIR हुई, उनके जो थे उनको गिरफ़्तार किया गया और बाज़ चैनल्स ने और इदारों ने और बाज़ सहाफ़ियों ने, वकला ने ये इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया है। हो सकता है कुछ ऐसा हो। फिर उनका रिमांड ख़त्म हो गया। जब दोबारा रिमांड के लिए कहा गया और एक खातून मजिस्ट्रेट ने उनको 2 दिन का रिमांड दे दिया, उसके बाद वो अडियाला जेल में चले गए। अडियाला जेल से बाहर आए, वो जो रिमांड पर उनको जब पुलिस लेने गई तो शहबाज गिल साहब बीमार हो गए। शहबाज गिल पर सब एक मेडिकल टीम बनाई गई जिसके मुताबिक गिल साहब ठीक हैं। जब ये बातें, ये अफवाहें, उसके तशद्दुद पर बातें की गई तो इमरान ख़ान साहब ख़ुद मुलाकात के लिए PIMS हॉस्पिटल तशरीफ़ ले गए।
लेकिन उनको मुलाकात नहीं कराई गई। मुलाकात अगर उनकी हो जाती, वो एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, कौम में मुल्क में वो मकबूल तरीन लीडर हैं, उनका कद बहुत ऊंचा है, तो अगर कानून में अगर उनको अदालती अहकाम लेने थे तो वो ले लेते, उनकी मुलाकात करा देते, तो एजिटेशन में कमी आ जाती, हालात वाक़ात उस तरह नहीं रहते। जिस तरह इमरान ख़ान साहब की जब कल मुलाकात नहीं कराई गई तो उन्होंने एहतजाज की काल दी। आज मुल्क भर में शहबाज गिल साहब के साथ यकजहती के लिए भले उन्होंने गलत बात की, उन्होंने इदारों के बारे में बात की, नहीं करनी चाहिए थी, गलत की, लेकिन जब उनकी जमात ने उनके लिए एहतजाज की काल दी तो लोग निकले। और F9 पार्क इस्लामाबाद में इमरान ख़ान ने जलसा आम से ख़िताब किया। उन्होंने अपने ख़िताब में शहबाज गिल की तशद्दुद की मजम्मत की, लेकिन उसमें जो इदारों के बारे में, मजिस्ट्रेट साहिबा के बारे में, IG और DAG के बारे में बातें की, उस पर वज़ीर दाखला राणा सनाउल्ला भी सीखपा हुए और बहुत से वज़रा ने भी बयान दिए। उनके इस बयान पर पैमरा ने उनकी बराए रास्त तकरीर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। मैं अपने साबिक वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इतनी मकबूल लीडर हैं, अवाम आपके साथ है, आप इंतखाबात जीत रहे हैं, अवाम में आपकी मकबूलियत जितने भी सियासतदान हैं पाकिस्तान में उन सब से बढ़ के है, तो खुदारा आप ऐसे ऐलानात और ऐसे इकदामात से गुरेज करें और हमारे मुल्क को अफरा तफरी और बेरारवी से बचाएं, ताकि हमारा मुल्क जो मईशत की पटली पर चढ़ रहा है, जो हमारा मुल्क तरक्की पजीर हो चल रहा है या तरक्की पजीर है, अगर हमारी इस तरह एजिटेशन होता रहा, रोज़ाना अवाम किसी न किसी रोड पे, किसी न किसी चौराहे पे, किसी न किसी दारुल हुकूमत को बंद करता रहे, तो पाकिस्तान की तरक्की रुक जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रुकना चाहिए। इमरान ख़ान साहब, आपका कद बहुत ऊंचा है, सियासतदानों में भी आपका बहुत मकाम है, अवाम में भी आपका मकाम है, खुदारा खुदारा आप अपने तकारीर को और अपने अल्फाज को ज़रा तहम्मुल से किया करें, और ताकि ना अवाम में इश्तियाल फैले ना हमारे मुल्क में कोई इस तरह के हालात पैदा हों। तो पैमरा ने इमरान ख़ान की इन तकारीर की वजह से पाबंदी आयद कर दी है। अब देखें, एक साबिक वज़ीर आज़म है, अवाम में मकबूलियत भी रखता है, लेकिन उनके छोटे से अकदाम से पैमरा को इस तरह का एक्शन लेना पड़ा। मुझे उम्मीद है साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब अपने बयानात पर तवज्जो देंगे और इस तरह के बयानात से गुरेज करेंगे। आज कराची में इंतहाई सानिया होने से बच गया। कराची के जिना एयरपोर्ट पर दो तैयारे एक ही रनवे पे आ गए। एक तैयारा जिससे एयर सियाल, जिसने कराची से लाहौर जाना था, वो तैयार खड़ा था, वो रनवे पे था। इसी दौरान PIA के एक दूसरा तैयारा उसी रनवे पे आके उतरा। ये अल्लाह का पाक का बड़ा फजल हुआ और पाकिस्तान के नुकसान से, पाकिस्तान में ये इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। क्या ये एयर ट्रैफिक की गलती थी या पायलटों की गलती थी, इसकी फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में कराची एयरपोर्ट पर एक तैयारा जो कि उतर रहा था, पायलट की गलती कहें, एयर ट्रैफिक की गलती करें, लेकिन उसमें बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हुआ और हमारे मुल्क की बदनामी हुई और हमें बहुत सारा नुकसान हुआ। तो खुदारा इसकी फौरन तौर पर तहकीकात करके जो इसमें गलत है उसको करारवाई सज़ा दी जाए। कराची में ज़िमनी इंतखाब आज हो रहा है। ये ज़िमनी इंतखाब NA 245 पर मरहूम आमिर लियाकत हुसैन
की वफात पर यह नशस्त खाली हुई थी। मरहूम पीटीआई के उम्मीदवार थे 2018 में और उन्होंने ये इलेक्शन तकरीबन 50,000 से ज़ायद वोटों की बढ़तरी से जीता था। जनाब आमिर लियाकत हुसैन अवाम में बहुत मकबूल थे और हर दिल अजीज़ शख्सियत थे, लिहाजा उनका मुकाबला करना या उनके मुकाबले में आके किसी सियासी जमात का जीतना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तो आमिर लियाकत हुसैन साहब ने ये इलेक्शन 2018 में विन किया, वो जब इस जहाँफानी में ना रहे, अभी दोबारा इलेक्शन हो रहा है, इसमें भी बहुत सारी बातें सोचने की हैं। आमिर लियाकत हुसैन की नशस्त पर MQM के बानी रुकन में से फरूक सतार साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका इंतखाबी निशान ताला है और वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस तरह PTI के भी उम्मीदवार हैं और PSP के भी उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार थे, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार भी थे, लेकिन हकूमती इतिहाद की दरख्वास्त पर या उनके कहने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने उम्मीदवार मुतहदा पाकिस्तान के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार करा दिए हैं। ये 2018 में मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आई थी और तहरीक लबैक पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आई थी। जो पहले उम्मीदवार थे अहमद रज़ा कादरी साहब, अब दोबारा वही इस जगह पर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो है ना इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें इस इलेक्शन में कौन सी पार्टी विन करती है। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब PTI की ये नशस्त है और इस नशस्त पर अभी भी उम्मीदवार मजबूत है, लेकिन देखना ये होगा जब PTI के 150 अराकीन असम्बली ख़ुद कौमी असम्बली के इजलास में नहीं जाते, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है या बाइकाट किया हुआ है, तो अब इस इलेक्शन में दोबारा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है कि ये सीट उनकी है, लेकिन इसका क्या कह सकते हैं कि वो इस सीट जीतने के बाद कौमी असम्बली में जाएंगे, हलफ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या वो इस्तीफ़ा दे देंगे। ये अजीब सूरत हाल है। इस तरह के इलेक्शन 9 इलेक्शन और भी होने जा रहे हैं जिसमें PTI भरपूर शिरकत कर रही है, बल्कि सब हलकों से मासवाए मुल्तान के, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, बाकी तमाम हलकों में इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी दाखिल कराए गए हैं। क्या इमरान खान ये इलेक्शन लड़ेंगे? और अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं, जिस तरह उनकी मकबूलियत है, उस मकबूलियत में अगर वो जीत जाते हैं 9 के 9 इलेक्शन, तो उनमें एक सीट उनको रखनी होगी। अगर वो एक सीट भी रखते हैं तो 8 सीटें खाली हो जाएंगी। जब 8 सीटें खाली हो जाएंगी, उन पर दोबारा इलेक्शन होगा। तो ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की हुकूमत का बहुत बड़ा नुकसान है। क्या हम अपनी मैशत इसलिए मजबूत कर रहे हैं कि हम बार बार इलेक्शन कराएँ और उस इलेक्शन पे अपनी दौलत ज़ाया करें और उसका नतीजा भी कुछ ना हो? बल्कि ये भी मुमकिन है, मुमकिन ही नहीं बल्कि ये कन्फर्म है कि इमरान खान साहब ना तो कौमी असम्बली के उस हलके से हलफ लेंगे और ना ही वो असम्बली में जाएंगे। जब ना वो असम्बली में जा रहे हैं ना जब वो जाएंगे, तो फिर ये पाकिस्तान कौम के साथ मजाक कैसा, पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक कैसा? हमारे अदालती निज़ाम में भी कुछ बातें होनी चाहिए, हम इनको रोकना चाहिए। या दूसरे, ठीक है मकबूलियत में वो बहुत है, जीत भी जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन ये तो देखें ना हमारे मुल्क का, हमारी कौम का कितना नुकसान हो जाएगा, हमारा कितना पैसा, जिसके लिए हमें मुल्क चलाने के लिए, मुल्क के मुलाजमीन की तनख्वाहें चलाने के लिए पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से कर्ज़ा ले रहा है, तो क्या वो ज़िमनी इलेक्शन में इस तरह अपनी दौलत ज़ाया करते रहें? इसी तरह अब कुछ और इस्तीफे मंजूर होने वाले हैं, उन पर भी इलेक्शन होगा। पाकिस्तान में अजीब तमाशा है, कुछ समझ नहीं आ रही। अभी
वफाकी हुकूमत पीटीआई के मुलाजम पीटीआई के अरकन असम्बली पे एफआईआर कर रही है। पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून के एमएनएज और एमपीएज पर एफआईआर काट रही है। वजीर दाखला राणा सनाउल्ला पे एफआईआर काटने जा रहे हैं। इस तरह अता कादरी पे अता तारड़ पे काट रहे हैं। तो ये कैसा मुल्क चलेगा हमारा? हमारे मुल्क की हालत बहुत ख़राब है। हमें सोचना चाहिए, हमें अपने सियासी अख्तलाफात को साइड पर रखनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ा इसमें आएगा और इनको एक मेज़ पे बिठाएगा और ये जो अफरा तफरी और जो मची हुई है इसको ख़त्म करेगा। अब ये कैसा इंसाफ है कि कोई हुकूमत पंजाब में है, कोई सिंध में है, कोई बलूचिस्तान में है, तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। तो किस तरह ये पाकिस्तान चलेगा? किस तरह पाकिस्तान की मैशत परवान चढ़ेगी? तमाम सियासतदानों से ये गुजारिश है कि वो मेहर बारी करें। दोबारा आते हैं उसी हल्का इंतखाब पर, उसमें जो फारूक सत्तार साहब हैं उनकी पोजीशन भी ठीक है और पीटीआई की पोजीशन मुझे यहाँ कमज़ोर लग रही है। ये दूसरी पोजीशन पे मुत्तहिदा कॉम्युनिटी पाकिस्तान के उम्मीदवार की पोजीशन बेहतर है। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो अहमद रज़ा कादरी साहब हैं टीपीएल के, उन्होंने पिछली दफ़ा भी तीसरी पोजीशन हासिल की थी और अभी भी जो इंतखाबी मुहिम है वो बड़े ज़ोर शोर और बड़े तरीक़ेकार के तहत चलाई है। पिछला जो कुरंगी का इलेक्शन था उसमें भी वो सेकंड पोजीशन पे आए थे और आखिरी पांच रिज़ल्ट में मेरे ख्याल में वो हार गए थे। उस पर केस अभी चल रहा है। इसका इलेक्शन अल्लाह करे पुरअमन हो, जो कि सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक जारी रहेगा। इसमें 263 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से 201 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया गया है और इस पोलिंग स्टेशन पे इन 201 पोलिंग स्टेशन पे फौज और रेंजर तैनात होगी। पिछले इलेक्शन में कुरंगी के इलेक्शन में भी कत्ल गारत हुई थी। अल्लाह पाक आज इस इलेक्शन को खैर खूबी से, जो जीते जो ना जीते, इसको इलेक्शन को कामयाबी से और बदमनी से महफूज रखे। इसके साथ पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं। इन मूनसून बारिशों में क्वेटा और बलूचिस्तान सबसे शदीद मुतासर हुआ है। उसमें सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब में भी यही हालत है और केपीके में भी यही हालत है और सिंध में भी यही हालत है। ये हमारे मुल्क को अल्लाह पाक की रहमत इतनी नाजिल हुई है, हमारी रोडें टूट गई हैं। और जो कहने की बात यह है कि मैं उन भाइयों से जो मुखय्यर हजरात हैं वो अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल रखें और जिनके घर माल मवेशी जो है ना सैलाब में या बारिश की वजह से उनका नुकसान हुआ है, उनके इस नुकसान को इजाला करने की कोशिश करें। हमारे जितनी फलाही तंजीमें हैं वो इस मौसमी जो है ना तूफ़ान पर या मानसून की जो बरसात है इस पे जो नुकसान हुए हैं वो अपने भाइयों को मदद करें। इस पे सिंध हुकूमत ने आज ऐलान किया है कि वो जो मुतासरा ख़ानदान हैं बारिश से या सैलाब से उनको 25,000 रुपया फीकस के हिसाब से इमदाद दी जाएगी और ये इमदाद बेनज़ीर भुट्टो प्रोग्राम से दी जाएगी। अभी सिंध में इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला आ रहा है, उसको भी मौसमी सूरत हाल के साथ देखा जा रहा है कि अगर उन दिनों में बारिश मुतवक्को हुई तो मे भी ये दूसरा मरहला, जो कि पहले भी एक दफ़ा मुलतवी हो चुका है, दोबारा मुलतवी हो जाए। लेकिन इसमें तमाम सियासी जमातों ने भरपूर तौर पर अपने अपने तरीक़ाकार के तहत अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई हुई है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक तमाम खतरात से महफूज रखे। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अस्सलामुअलैकुम।